हेलो वर्गोस, वेलकम टू गुरु माइंड द टैरो। और ये रीडिंग है 18 फरवरी से लेके 23 फरवरी तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इस वीक में। मैसेजेस फॉर वर्गोस। सेवन ऑफ सोर्ड्स, The Star, Princess of Pentacles, Ace of Cups, and Two of Swords. Okay, तो हमारे पास है Two of Swords. I think कोई friendship बहुत romantic तरीके से एक lovers के relationship में बदलने वाली है। टू ऑफ सोर्ड्स का मतलब है कि आप क्लोज आ रहे हैं। टू ऑफ सोर्ड्स का मतलब है कि आप एक दूसरे से इस तरीके से इंटेंगल्ड हैं, इस तरीके से बंधे हुए हैं कि आप एग्जैक्टली यू नो कोई तरीका नहीं निकाल सकते एक दूसरे से दूर जाने का, यानी एक दूसरे को कंप्लीटली कट ऑफ कर देने का। आई डोंट थिंक आप दोनों में से कोई भी ये कर सकता है, आप दोनों में से किसी के पास भी ये तरीका है। आई थिंक टू ऑफ सोर्ड्स आपसे कह रहा है कि ये एक हेल्दी रिलेशनशिप है। आई मीन जिसके साथ भी आप हैं वो पर्सन ऐसा लगता है कि आपका एक अच्छा आपका काफी अच्छा दोस्त बन गया है। एंड ये टू ऑफ सोर्ड्स है एक डायलेमा के बारे में भी। शायद आप दोनों एक दूसरे को देख के ये सोच रहे हैं कि कौन पहले अपनी फीलिंग्स को जाहिर करेगा, कौन पहले अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करेगा और कैसे बात आगे बढ़ेगी। पर एस ऑफ कप्स भी है यहाँ पे, तो आई थिंक वर्गो कोई खुद ब खुद आपके पास चला आएगा अपनी फीलिंग्स को जाहिर करने के लिए। एंड आपको लगेगा कि फाइनली आपको वो कप मिल गया जिसका आप इंतजार कर रहे थे। शायद आपको ये उम्मीद नहीं होगी इस पर्सन से, क्योंकि मैं यहाँ एक प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स देख रही हूँ। तो हो सकता है आप जिससे डील कर रहे हो वो बहुत ही प्रैक्टिकल पर्सन हो। ये कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो बहुत ज्यादा रोमांटिक हो या बहुत ज्यादा रिलेशनशिप्स पे फोकस्ड हो। ये पर्सन चाहता है कि आप उनका अब दूसरा साइड देखे। ये पर्सन डेफिनेटली आपको अपना वो रूप शो करेगा जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। आपको लगेगा इनको देख के कि ओके क्या ये वही पर्सन है जो मेरे साथ रिलेशनशिप में था, या क्या अचानक से बदल गया ये पर्सन। बस अभी तक अपनी फीलिंग्स को हाइड करके बैठा था, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अभी भी वो फ्रेंड जोन है। उन्हें लग रहा था कि वो आपके लिए फ्रेंड से ज्यादा कुछ भी नहीं। एंड ये चीज उन्हें थोड़ा सा परेशान कर रही थी। इस पर्सन को अभी तक समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहें। बट फाइनली टू ऑफ सोर्ड्स के साथ ये पर्सन अब अपनी फीलिंग्स को जाहिर करने के लिए तैयार है। ये पर्सन चाहता है कि चीजें आगे बढ़े, क्योंकि ये वेट करके तंग आ चुके हैं। ओके, द स्टार के कार्ड के साथ उन्हें पता है अच्छी तरीके से कि उन्हें क्या चाहिए। ये पर्सन आप पे फोकस्ड है। ओके, आप ये स्टार है जो उन्हें रास्ता दिखा रहे हैं। आप ये स्टार है जो उन्हें इस सिचुएशन से बाहर लेके आएगा। एंड आप ही वो स्टार है जो उन्हें बता रहा है कि उन्हें कहाँ होना चाहिए। तो ये पर्सन बहुत ज्यादा फोकस्ड है आप पे। आसपास इतने सारे स्टार हैं मगर ये पर्सन आप पे ही फोकस्ड है। तो हो सकता है ये कोई ऐसा पर्सन हो जिसके लाइफ में बहुत कुछ चल रहा हो। ओके, एक ही पॉइंट पे बहुत सारी चीजें इन्हें बॉदर कर रही हैं और सारी चीजों को बैकग्राउंड में रखे ये पर्सन आप पे फोकस है। आप इस पर्सन की प्रायोरिटी बन चुके हैं, आप इस पर्सन के लिए इम्पोर्टेंट हैं। एंड द स्टार के साथ आई थिंक हो सकता है कि ये कोई ऐसा पर्सन हो जिसका काफी बड़ा फ्रेंड सर्कल हो, इसमें बहुत सारे फ्रेंड्स हो। और आपको भी ये क्लियरली समझना आया हो अभी तक कि ये पर्सन आपके बारे में सोचता क्या है। क्या आप भी बस एक फ्रेंड की तरह हैं या इससे ज्यादा कुछ फीलिंग्स है उनके दिल में आपके लिए।
तो मैं आपको बता दूं कि जो भी इनके आसपास है, चाहे वो फ्रेंड्स हो, फैमिली मेंबर्स हो, वर्क हो, कुछ भी आपसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं. सब कुछ बैक सीट पे है जब आप सामने हैं. सब कुछ सेकंड प्रायोरिटी है जब आप सामने हैं. तो ये पर्सन इस बात को लेकर बहुत क्लियर है कि उन्हें क्या चाहिए. एंड सेवन ऑफ सोर्ड्स के साथ फाइनली ये पर्सन आगे बढ़ रहा है अपने रास्ते के ऑब्स्टेकल्स को हटा के. आप दोनों के बीच में जो भी दूरियां थी या जो भी इश्यूज थे, उन्हें ये पर्सन खत्म करना चाहता है. अब तक जो कुछ भी इन्हें रोक रहा था, अब इन्हें और नहीं रोक सकता. हालांकि अभी पूरे तरह से ये अपनी इनसिक्योरिटी और फियर्स के ऊपर उठे नहीं है, यानी रिजेक्शन का डर या फिर ये कहे जाने का डर कि ओ मैं तो बस आपको एक फ्रेंड समझता हूं या समझती हूं. एंड यू नो इस तरीके की बात. ये पर्सन धीरे धीरे अपने माइंड को काम कर रहा है और सीख रहा है कि अगर उन्हें आपका साथ चाहिए तो उन्हें खुद को तो जाहिर करना ही पड़ेगा. एंड आई थिंक ये इस जर्नी पर चल चुके हैं और जल्द ही आपको ये एस ऑफ कप्स मिलेगा. हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी. एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं. इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2023 की, तो फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर और थर्ड क्वार्टर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह. चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स, द हाई प्रीस्टेस एंड टेन ऑफ वांड्स. ओके, तो हमारे पास है द लवर्स का कार्ड. द लवर्स के कार्ड का मतलब है कि आप दोनों क्लोज हैं, आप दोनों कह सकते हैं कि हर तरीके से कनेक्टेड है. और ये कनेक्शन सिर्फ इस फिजिकल वर्ल्ड में नहीं, ऐसा लगता है कि इससे कुछ ज्यादा है. आप सोल से कनेक्टेड है, स्पिरिट से कनेक्टेड है. आप दोनों के बीच जो गहराई है वो पहले इस पर्सन ने कभी एक्सपीरियंस नहीं की. आप हैं ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और इस पर्सन को आपकी जरूरत है. क्वीन ऑफ पेंटिकल्स होने का मतलब कि इस पर्सन को आप में एक परफेक्शन दिखाई देता है. इन्हें लगता है कि आप रोमांटिक होने के साथ साथ प्रैक्टिकल भी हैं, जो कि उनके प्रैक्टिकल साइड के साथ बिल्कुल मैच करता है. इन्हें लगता है कि आप बिल्कुल कंपैटिबल हैं. सिक्स ऑफ पेंटिकल्स के साथ आप इनकी मदद करने से भी पीछे नहीं हटते. इस पर्सन को लगता है कि आप एक लवर के साथ साथ एक फ्रेंड और एक सपोर्टर भी हैं. द हाई प्रीस्टेस का कार्ड इस पर्सन को आपकी तरफ अट्रैक्ट करता है. हाई प्रीस्टेस के साथ ऐसा लगता है इस पर्सन को हमेशा कि ये आपको पूरी तरह जानते नहीं. ओके, एंड हर बार ये पर्सन कोशिश करता है आपको और जानने की. कोई ऐसी चीज है जो इन्हें लगातार आपकी तरफ खींचती रहती है. एंड उन्हें लगता है कि आप बहुत मिस्टीरियस हैं, आप बहुत अमेजिंग हैं. हालांकि टेन ऑफ वांड्स के साथ ये पर्सन काफी बोझ कैरी कर रहा है. ओके, अपने इमोशंस का. जैसा कि मैंने कहा, इनके लाइफ में बहुत कुछ चल रहा हो सकता है एक साथ. तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन काफी बोझ कैरी कर रहा है. टेन ऑफ वांड्स किसी तरीके के पास्ट के एक्सपीरियंस के बारे में भी हो सकता है. हो सकता है पहले कभी किसी ने इन्हें ये कहा हो कि वो एक फ्रेंड से ज्यादा कुछ नहीं है, या कभी उन्हें रिजेक्शन मिला हो, या किसी ने इनका दिल तोड़ा हो और वो चीजें अभी भी दिमाग में हैं. वो चीजें अभी भी कहीं गई नहीं. उसके साथ ही साथ और भी चैलेंजेस हैं लाइफ के जिससे ये पर्सन डील कर रहा है. उन्हें लगता है कि सिक्स ऑफ पेंटिकल्स और टेन ऑफ वांड्स के साथ आप उन्हें छुटकारा दिला सकते हैं इस बोझ से. उन्हें लगता है कि आप ही एक ऐसे पर्सन है जो उन्हें दूर ले जाते हैं उनकी परेशानियों से, उनके अकेलेपन से और उनके केओटिक लाइफ से. उन्हें लगता है कि जब भी वो आपके साथ समय बिताते हैं तो कुछ सीखते हैं और उन्हें डेफिनेटली फील होता है कि आप उनके स्पिरिट को फ्रीडम दे रहे एक तरीके से इस तरीके के बर्डन से. और इसलिए पर्सन आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड है. उन्हें लगता है कि आप एक हीलर भी हैं. इस पर्सन को
सिर्फ आप ही खुशी देते हैं इस पॉइंट पे. आई डोंट नो इस पर्सन के लाइफ में एग्जैक्टली क्या चल रहा है, पर बहुत सारे चैलेंजेस नजर आ रहे हैं मुझे. एंड उन्हें लगता है कि इन चैलेंजेस से दूर आप ही उन्हें ले जा सकते हैं. कुछ समय की जो भी खुशी है वो उन्हें आप ही दे सकते हैं इस दुनिया में, और कोई उनके लिए काम नहीं कर सकता. चलिए देखते हैं कि आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है. कमांडर एस्टर, कॉल टू एक्शन, टेक चार्ज, लीड बाय एग्जांपल, वॉक योर टॉक. ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आपको वो करना चाहिए जो आप सोच रहे हैं. एंड ये वक्त है चीजों को अपने हिसाब से डील करने का. आई मीन अगर आपके सामने कोई चैलेंज है तो बजाय किसी की एडवाइस सुनने के या एडवाइस लेने के, सबसे अच्छा होगा कि आप अपने इंट्यूशन को सुने और आपको जैसा समझ में आए आप उस हिसाब से आगे बढ़ें. ओके, तो आपको जरूरत है लीड लेने की और वो करने की जो आप कह रहे हैं या जो आप सोच रहे हैं. ओके, तो अब एक्शन लेने का वक्त है. ये रीडिंग है इस वीक की. आई होप आपको अच्छी लगी होगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग. टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय.